सेंधवा में बढ़ती महंगाई और विद्युत मंडल द्वारा आम जनता को अधिक बिजली बिल दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया एवं बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, बिजली बिल कम करो, मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगाए गए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कलीम बाबा ने बताया कि आम जनता लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है, लोगों की आय घटी है और बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बिजली की दर बढ़ाकर आम जनता को अधिक राशि के बिजली बिल दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस सेंधवा ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के शहर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया एवं गरीब लोगों के बिजली बिलों को माफ किए जाने की मांग की। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष कलीम बाबा, विमल सोलंकी, ब्लॉक उपाध्यक्ष गोविंद कुशवा, शिव कुमारी यादव, सुरेश तेलंगु, समर खान, उषा सेनी, मंसूर शेख, मीरा बाई सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिल नहीं भराया अगले महीने, तो ये महीने में 9000 बिल आ गया है। कितने का बिल है आपका? ये 9000 में कई 40 रुपए कम है। ये 2 महीने का बिल है, 11000 में कितने आए ले, इतने कैसे भरेंगे? चोरा के लाए, कमाने वाला कोई नहीं है घर पे, कहीं कूलर नहीं, कहीं टीवी नहीं, कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एमपीपी कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा है, किस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है? इस बात के लिए धरना दिया जा रहा है कि जो अपने बिजली के बिल आए हैं, ये जो मतलब इंसान आज लॉकडाउन से जो परेशान है, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो परेशानी से जूझ रहा है, उनको 10-10 हज़ार रुपये के एक एक महीने के बिल दिए जा रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि बिलों को कम करा जाए और बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें बढ़ाई गई उसको वापस ली जाए। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जनता के साथ जुल्म न करें, सरकार से हमारा विरोध है और अभी हम शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे इसके लिए।